कैन इंडियन फुटबॉल बॉयज कैन प्ले फॉर द यूरोपियन टॉप क्लब्स। बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट किए, मुझे बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझे DMs आए, सो मेनी मैसेजेस हैज कम ऑन माई फेसबुक मैसेंजर। सो हाय, माई सेल्फ रोहन जगताप, इंटरनेशनल स्काउटर, सेलेक्टर, मैच एनालिस्ट, एफिलिएशन फ्रॉम द यूरोपियन क्लब्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग को ये वीडियो से बहुत नॉलेज गेन होने वाली है। कल जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आई है, प्लीज़ कोच मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्या इंडियन लड़के लोग यूरोपियन क्लब्स के लिए खेल सकते हैं। येस, ऑन ओनली वन थिंग वी कैन प्ले फॉर द यूरोपियन क्लब्स, इफ इंडियन फुटबॉल का रैंक अंडर 40 के अंदर आता है, तो हमारा रैंक अगर 40 के बीच में आएगा तो ही हमारे इंडियन लड़के लोग यूरोपियन बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेल सकते हैं, जैसे हमारी चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेस्टर, बड़े बड़े मेन टीम के अंदर वी आर प्लेइंग इन द फर्स्ट मेन टीम। हम अपने इंडियन यूथ को हम लोग वी कैन सी द लाइव ऑन स्टार स्पोर्ट्स इंग्लिश प्रीमियर लीग। बट सो सॉरी, अपना रैंक 104 है, इसलिए हमारे इंडियन लड़के लोग हैं कहीं के भी लाइक फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, केरला, कोलकाता, चेन्नई, हम नहीं खेल सके वहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अ रूल हैज़ बिन मेड बाय फीफा। हाँ, इंडियन लड़कों को एक स्कोप है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द लोअर डिविजन्स। हाउ? दे कैन फ्लाई उधर, गिव अ ट्रायल्स उधर, और उनके छोटे छोटे डिविजन से आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक 8 डिविजन से या 7, 6, 5 ग्रुप डिविजन से। हम उनके सब डिविजन्स, मेन डिविजन्स एंड लेवल्स रहते हैं उनसे, हम वैसे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ से स्ट्रेट अवे बिल्कुल भी उनके बड़े क्लब्स में नहीं जा सकते, बिकॉज हमारा रैंक नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, ऑल ऑफ यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, वो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे, दे हैव अ बंच अनलिमिटेड टैलेंट, उनके छोटे छोटे बच्चे भी दे आर लाइक टर्मेंडस, उनका 12 साल के, 14 साल के, 15 साल का बच्चा हमारे 20 साल के बच्चों को भी बहुत टफ देते वो लोग, बिकॉज दे आर इन वेरी टफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब उनके जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जेसन माउंट जो आज चेल्सी के लिए मेन टीम में खेल रहा है, इज प्लेइंग टर्मेंडस, उसको 7 ईयर्स में चेल्सी ने फ्रेश, मतलब दे हैव गिवन द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू हिम। फिल फोर्डन फ्रॉम द वेरी स्मॉलर एज मैनचेस्टर सिटी ने उसको वहाँ पे रखा है, मार्कस रैशफोर्ड, अगेन यू हैव योर मार्शल, अगेन बहुत से जितने भी यंगस्टर है, सैंचोस, हलार्ड, ये जहाँ के भी इनके जो कंट्री से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इनको छोटे एज में दे गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू देम, और इनके छोटे क्लब्स में ही इनके कोचेस बहुत हाई क्वालिफाइड कोचेस होते हैं, जो UEFA ए लाइसेंस, बी लाइसेंस, बहुत शार्प कोचेस होते हैं। कोचेस के साथ इनके एनालाइजर्स, मैच एनालाइजर्स, इनके फिजियोज, इनके डॉक्टर्स, दे हैव अ वेरी बंच ऑफ टीम अराउंड देम, उनको बचपन से ही ये लोग वर्ल्ड क्लास डेवलप करते हैं। टुडे वी कैन सी द बेस्ट प्लेयर्स आर बीन कमिंग। आई होप अभी आपको पता चल चुका कि इंडियन लड़के लोग कैसे खेल सकते हैं वहाँ पे बड़े क्लब्स के लिए। प्लीज़ कोई भी कुछ भी बोले, कोई कुछ भी आपको रूमर्स में स्प्रेड करें कि आपको मैं लेके चलता हूँ, आपको मैं सेलेक्ट करूँगा, प्लीज़ दिस इज़ अ फॉल्स स्टेप, ये गलत कदम होगा अगर आप किसी के भी स्टडी करके नहीं और किसी के भी सुन के कहीं पे भी चले जाते हो तो। और मैंने बहुत बार सुना कि बहुत लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं हमारा इंडियन लड़का वहाँ पे खेल रहा है, जैसे सरनप्रीत सिंह जो ब्रांड म्यूनिख के सेकेंड डिवीजन के लिए खेल रहा है, हमजा चौधरी इज़ प्लेइंग फॉर द लेस्टर सिटी मेन टीम, डायलन मार्कंडे इज़ प्लेइंग फॉर टॉटनहम। बट ये इंडियंस नहीं है, ये NRI है, इनका जन्म वहाँ पे हुआ है, दे गॉट अ बर्थ ओवर देर। अगर आपकी वहाँ की सिटीजनशिप है, ऑफकोर्स यू गेट अ चांस टू प्ले ओवर देर, पर यहाँ से, यहाँ के आप लोकल हो के आप वहाँ पे नहीं खेल सकते हो, अनटिल इफ़ यू बॉर्न ओवर देर, इफ़ यू हैव अ सिटीजनशिप ओवर देर। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी टेक्निकली, वेरी स्मार्टली, वेरी इंटेलिजेंटली। टूडेज यूथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फुटबॉल। हम कब तक विल स्टे लाइक अ ब्लाइंडनेस, हम कब तक आँख बंद करके कुछ भी किसी का सुनते हो और क्यों फॉलो करते हो?
आज तो बताओ ना मुझे, एक भी इंडियन प्लेयर्स वाई दे नॉट प्लेइंग एट द टॉप क्लब्स? कोई नहीं खेला मेन डिविजन्स के लिए, कोई भी नहीं, बिकॉज हमारा रैंक नहीं है। क्लियर? आई होप दिस वीडियो इज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज टू यू। प्लीज लाइक शेयर टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, व्यू दिस चैनल, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, आपकी नॉलेज बहुत शार्प हो जाएगी एंड यू विल कम टू नो दिस इज अ करेक्ट वे टू गेट सेलेक्ट फॉर द यूरोपियन क्लब। और हमारा जो एक लड़का है मनीष सिंगारे, राइट नाउ इज प्लेइंग फॉर क्लब सिटी सेरानो स्पेन फॉर फोर्थ डिविजन। ही गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओवर देयर फॉर 3 ईयर्स। ही इज फ्रॉम निर्मिक यूनाइटेड और मैंने खुद उसको सिखाया एंड टुडे ही इज मेकिंग हिज नेम फॉर हिज फैमिली, फॉर अ कंट्री, फॉर द क्लब, इज मेकिंग प्राउड ऑफ अस। ओके, सो प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चेस।